आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 17 खेला जाएगा रजवाड़ों और साथ ही साथ चेन्नई की टीम के बीच में, यानी राजस्थान और चेन्नई की टीम के बीच में आईपीएल साल 2023 का 17वां मुकाबला चिपॉक के मैदान में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले फैंस भैया थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। क्या है फैंस के नाराजगी की बात, यानी क्यों फैंस नाराज है, सारी चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। देखिए आईपीएल का सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है, 17वां मुकाबला होने जा रहा है 13 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसको लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि एक तरफ देखिए धोनी की टीम रहेगी और जब जब सीएसके का मैच होता है तब तक एक अलग रोमांच होता है, साथ ही साथ रजवाड़ों की टीम सामने रहेगी। रजवाड़ों की भी फैन फॉलोइंग के भैया क्या ही कहने, संजू की फैन फॉलोइंग आप जानते हैं कितनी ज्यादा है। तो इस वजह से ये मैच जो है पावर पैक होने वाला है। और इस मैच के पहले फैंस थोड़ा सा भैया नाराज हो गए हैं। वो नाराज इसलिए हुए हैं कि इस मैच के लिए टिकट्स जो है वो फैंस ऑनलाइन बुक करते हैं और बुक करने में थोड़ी सी दिक्कत उनको आ रही है, यानी टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं लेकिन वो अपने आप ही अनअवेलेबल नजर आती है, यानी टिकट्स बची रहती हैं लेकिन जब वो क्लिक करते हैं तब अनअवेलेबल आ जाता है। ऐसा मतलब ऐसा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं फैंस की, ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद देखिए फैंस ने कहा है कि कुछ फैंस ने कहा है कि भैया आरोप बेसिकली लगाया है कि जो इंडिया सीमेंट कंपनी है यहाँ पर टिकट्स भेजी जा रही हैं और इंडिया सीमेंट कंपनी टिकट्स को ब्लैक में भेज रही है, यानी टिकट्स की धांधलेबाजी कर रही है। अब बेसिकली अगर 750 का एक टिकट है तो इंडिया सीमेंट जो है कंपनी वो उसको 5000 का बनाकर बेच रही है। और इस वजह से जो फैंस एक्चुअल में मैच देखना चाहते हैं, जो धोनी के फैन है, जो संजू के फैन है, जो मैच को एक्चुअल में इंजॉय करना चाहते हैं वो टिकट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि 5000 की टिकट हो जा रही है। आप सोचिए 750 और 5000 में कितना ज्यादा डिफरेंस है। 5000 की टिकट हर कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो बेसिकली फैंस ने वो एक आरोप एक इल्जाम लगाया है कि कालाबाजारी हो रही है, टिकट्स बेचने की कालाबाजारी हो रही है, जिस वजह से वो ये मुकाबला इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और देखिए बहुत ही, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसे बहुत टाइम पहले भी हम लोग देखते थे कि टिकट्स जो है ब्लैक में बेची जाती है, ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा पैसों में टिकट्स ब्लैक में बेची जाती है, जिसका अब एक्चुअल में बीसीसीआई को या फिर फ्रेंचाइजीज को इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आम आदमी अपने आइडल को ऐसे देखने ही नहीं जाएगी मैदान में स्टेडियम में तो मज़ा क्या आएगा, अगर भीड़ ही नहीं मिलेगी तो मज़ा क्या आएगा। और जो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं 5000-6000 अफोर्ड कर सकते हैं वही खाली मैदान में रहेंगे, तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो वो ले लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फैंस के ट्वीट्स भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे, गुस्से में हैं फैंस बहुत ज्यादा जब वो टिकट्स नहीं अवेलेबल देख रहे हैं, मतलब अवेलेबल वहां नजर आ रही है लेकिन ये टिकट्स बुक नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज्यादा गुस्से में भड़क रहे हैं बेसिकली फैंस। अब कमेंट्स करके बताइए और ये भी बताइए कितना एक्साइटेड हैं आप इस मुकाबले के लिए, राजस्थान रॉयल्स रजवाड़ों और सीएसके के बीच में जो मुकाबला है कितना एक्साइटेड है आप। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।